हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एजुकेशन। मैं आपका फ्रेंड पवन। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ब्रिक मैसनरी का एस्टीमेट करेंगे। ब्रिक मैसनरी में हम निकालेंगे ब्रिक्स और मोर्टार निकालेंगे, कितना इसमें मटेरियल लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, छोटे छोटे इसके फॉर्मूले आपको क्रिएट करके बताऊंगा और उनको डिफाइन करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एंड में दोस्तों हमने जो है मल्टीपल क्वेश्चन भी ले रखे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए थे उसमें भी ब्रिक मैसनरी के थे, वो भी हम जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिक मैसनरी में मटेरियल क्या क्या लगता है, ठीक है। तो मटेरियल की बात यहाँ पे हम करते हैं। तो मटेरियल जो लगता है दोस्तों, नंबर वन ब्रिक्स और नंबर टू मोर्टार। हमारी दो चीज लगती है, ब्रिक्स लगती है और मोर्टार लगती है, ठीक है। और मोर्टार आगे फर्दर डिवाइड इनको, इसको टू पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया सीमेंट और यहाँ पे आ गया सैंड, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। तो हमने क्या क्या निकालना है, ब्रिक्स निकालनी है, सीमेंट निकालनी है और सैंड निकालना है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर हम जो है यहाँ पे मान लो एक दीवार, ये दीवार है, इसमें हमने ब्रिक मैसनरी करनी है, ठीक है। मान लो ये हम ब्रिक मैसनरी करते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें कितनी ब्रिक्स लगेगी और कितनी मोर्टार लगेगी। आज मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मूले भी बताऊंगा और इसको एनालिसिस करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें एस्टीमेट करने से पहले हमारे को सीमेंट निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो हमें सभी के ड्राई वॉल्यूम याद होने चाहिए, दो मिनट का काम भी नहीं होता दोस्तों, दस सेकंड में आप बता सकते हो कि कितना मटेरियल लगेगा, लेकिन हम इसको जो है पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहुंचना तो यहाँ पे मैं आपको ड्राई वॉल्यूम आपको बता देता हूँ कि ड्राई वॉल्यूम किस किस के लिए कितना होता है, ठीक है। जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था पहली क्लास में, आरसीसी के लिए जो हमारा ड्राई वॉल्यूम चलता है 1.52 चलता है पर मीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक मीटर क्यूब के लिए हम ड्राई वॉल्यूम लेते हैं 1.52 आरसीसी के लिए। और ब्रिक मैसनरी के लिए कितना लेते हैं हम, ब्रिक मैसनरी के लिए लेते हैं हम 3 पर 10 मीटर क्यूब। तो 1 के लिए कितना आएगा 0.3 मीटर क्यूब पर 0.3 पर मीटर क्यूब, ठीक है, 0.3 लेते हैं। वैसे ही प्लास्टरिंग की बात आ जाए, ठीक है, प्लास्टरिंग के लिए लेते हैं हम 2 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आता है 12 mm की जब हम प्लास्टरिंग करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 mm की प्लास्टरिंग हो तो हम लेते हैं 2.45 पर मीटर क्यूब। ये तो एक बेसिक है, छोटा सा आपको ड्राई वॉल्यूम याद होने चाहिए, लेकिन अब हम निकालेंगे कि ड्राई वॉल्यूम निकलता कैसे है, ठीक है। आरसीसी का मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, आज हम ब्रिक मैसनरी के बारे में करेंगे कि ये जो ड्राई वॉल्यूम कैसे निकलता है, ठीक है, पर मीटर क्यूब के लिए। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। स्टार्ट करिए। चलो तो देखिए, हम यहाँ पे एक यूनिट ले लेते हैं, पर्टिकुलर यूनिट। मान लो ये दीवार है, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब, ठीक है। मान लो हमने यूनिट ले ली, ये यूनिट हमारी आ गई, ठीक है। कोई भी ब्रिक हो सकती है, इसका लेंथ इतनी है 5 मीटर हो सकती है, 4 मीटर हो सकती है, थिकनेस आपको पता है। अगर सिंगल ब्रिक आप कर रहे हो तो कितनी आएगी थिकनेस, 0.10। अगर डबल कर रहे हो तो 0.23, बीच में मोर्टार भी होती है 0.25 ले सकते हैं, 20 से 30 के बीच ले सकते हैं, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि सिंगल ब्रिक वॉल है कि डबल ब्रिक वॉल है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा है, यूनिट है 10 मीटर क्यूब पहले ले ली, ठीक है। आपको यूनिट बनाने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई थिकनेस करनी होगी, ठीक है। तो हम ले रहे 10 मीटर क्यूब यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या होगा, 10 मीटर क्यूब के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स सभी ने पढ़ा होगा कि एक मीटर क्यूब में जो ब्रिक मैसनरी में 500 ब्रिक्स लगती है, ठीक है, ये सभी ने पढ़ा होगा। ब्रिक्स लगती है, क्यों लगती है, कैसे लगती है, ये भी पता होगा। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ क्यों लगती है, कैसे लगती है, ठीक है। अब देखिए, एक मीटर क्यूब है, मान लो ये एक मीटर क्यूब है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये एक मीटर क्यूब मैंने बना दिया इसको, ठीक है, तीनों साइड इसके एक एक है, एक मीटर क्यूब है, इसमें 500 ब्रिक्स कैसे लगती है, ठीक है। तो हमें पता है जो ब्रिक्स का साइज होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज जो हम लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज जो हम लेते हैं ब्रिक्स का, ठीक है, वो कितना आता है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है, होप सो क्लियर होगा। तो हम देखेंगे, हम मीटर क्यूब में हमने निकालना है, एक मीटर क्यूब में निकाले 500 ब्रिक्स, ठीक है। तो इसको मीटर में कर देंगे, 1 × 0.90 × 0.09, ठीक है, इसको मीटर में कर दिया मैंने, ध्यान रखेंगे। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 500 ब्रिक्स, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुई होगी ये बात कि 500 ब्रिक्स कैसे लगती है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो 10 मीटर क्यूब हमारे पास टोटल यूनिट है, तो 10 मीटर क्यूब में कितनी लगेगी, 10 × 500, तो ये आ गई 5000 ब्रिक्स। ठीक है, तो जो 10 मीटर क्यूब की कोई ब्रिक वॉल है, ब्रिक वर्क है, उसमें 5000 ब्रिक्स लगेगी। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें इसमें मोटार निकालनी है। ठीक है, मोटार कैसे निकालेंगे, तो मोटार के लिए देखिए दोस्तों, मोटार में जो है सबसे पहले हमने सीमेंट निकालना है। ठीक है, तो सीमेंट के लिए सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ रेशियो। ठीक है, रेशियो हम अभी देख लेंगे कौन सी यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 1 मीटर क्यूब के लिए 0.3 ड्राई वॉल्यूम लेते हैं हम, या 10 मीटर क्यूब के लिए 3 लेते हैं। ठीक है, तो ये आया कैसे, इसको पहले निकालते हैं, फिर हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ड्राई वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारी ब्रिक वॉल है, इसमें जो मोटार लग रही है, ये देखिए इसमें जो खाली स्पेस है, ये मोटार लग रही है। ठीक है, तो हमने ये मोटार निकालनी है पहले, ये लगेगी कितनी। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम बाद की बात है, तो मोटार मोटार हम निकालेंगे कि कितनी लग रही है मसाला, ये ब्रिक्स है, ठीक है, ये ब्रिक्स है और ये मोटार है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोटार का टोटल ब्रिक वर्क, टोटल ब्रिक वर्क, ठीक है, माइनस नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, इसको आप चाहे ब्रैकेट में ले सकते हैं, नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इनटू टोटल ब्रिक्स। ठीक है, इनटू टोटल ब्रिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लें दोस्तों, ये फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, टोटल ब्रिक वर्क माइनस नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इनटू टोटल ब्रिक्स। ठीक है, अब देखिए टोटल ब्रिक वर्क कितना है हमारे पास, 10 मीटर क्यूब। ठीक है, माइनस नेट वॉल्यूम कौन सा यूज करेंगे, हम करेंगे स्टैंडर्ड साइज। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 0.90 × 0.09 × 0.09। ठीक है, इनटू टोटल ब्रिक्स कितनी लग रही है, 5000। 10 मीटर क्यूब में कितनी लगती है, 5000। ठीक है, ये तो इसको देखिए 10 माइनस, चलो मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ उसको। ठीक है, दस माइनस, जब इसको हम करेंगे 0.90 × 0.09 × 0.09 × 5000, ये आ गया, पहुंच गया, ये आता है 7.69। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी जो इसका डिफरेंस होगा 10 − 7.69, तो ये हमारी 7.69। ठीक है, तो 2.31 मीटर क्यूब ये हमारा मोटार होगी। ठीक है, मोटार दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल डीप से कराऊंगा, पूरा एनालिसिस करके आपको, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा। ठीक है, तो जो ये आ गई, ये 2.31 आ गई मोटार, बाकी ये ब्रिक्स है। ठीक है, बाकी जो ये है, ये सारी ब्रिक्स है, क्योंकि हमने ब्रिक्स का, ठीक है, ये हमने ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल दिया, जो इसमें से बच गया वो बच गया हमारे पास मोटार। ठीक है, तो ये आ गई 2.31 हमारे पास मोटार आ गई। तो अब हम इसमें करेंगे एड ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो एड ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम हम क्यों ऐड करते हैं, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए कई जो हमारी ब्रिक्स होगी यूनिफॉर्म ही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब है शेप साइज बराबर नहीं होगा, हम क्यूब तो निकालेंगे पर उसमें मटेरियल ज्यादा लग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, 15% और 25% हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं बाय वेट ऑफ, बाय वॉल्यूम ऑफ, जो हमारा वॉल्यूम आया था 2.31। ठीक है, तो 2.3, और इसको डायरेक्ट भी कर दे तब भी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती, 25, 15, 40% जोड़ दे तो थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, देख लेते कितना फर्क पड़ेगा, 2.31 + 2.31 × 0.40। ठीक है, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, आप इसका अलग से निकाल लें। ठीक है, 2.31 + 2.31 × 0.40, तो ये आ जाता है 3.2। तो हमारा निकल गया ड्राई वॉल्यूम 3.2। ठीक है, एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन से निकलता है वो 3.2 निकलता है। तो मैंने क्या बताया था, 10 मीटर क्यूब के लिए हमारा 3 जो होता है ड्राई वॉल्यूम होता है। ठीक है, 3, तो यहाँ 3.2 आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको अलग अलग करोगे, पहले 15% ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उस जो आएगा उसमें 25% ऐड करेंगे, तब भी ये इतना ही आएगा, 2.3 आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने निकालना आपको बता दिया कैसे आपने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अप्रोक्सीमेट 3 हमने वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, तो बस हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखिए, अब हमने सीमेंट निकालना है, सीमेंट निकालने के लिए टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेशियो सम ऑफ रेशियो। ठीक है, तो टोटल ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आ गया 3 अप्रोक्सीमेट 3 लेते हैं। अब 3.2 ले लो, कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3.2 ले लिया हमने। ठीक है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ रेशियो, रेशियो हमने मान लो 1:6 यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, 1:6, तो ये आ गया 7। ठीक है, तो ये आ गया 3.2 / 7, तो ये आता है
0.457 meter cube सीमेंट, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब में सीमेंट निकल गया। अब अगर हमने इसको बैग में कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि क्यों 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये लगभग आ गए 14 bag, ठीक है। 14 bag आपके जो है इसमें लगेंगे 10 meter cube के जो है सीमेंट के बैग। और सैंड निकालेंगे तो सैंड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 6 कर दो आप, ठीक है। तो जितने भी हो गए 14 × 6 ये आ गए 84 bag, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया सीमेंट सैंड निकालना का। अगर अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मानो मैंने दे दिया आपको 2 meter cube, आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं, उसमें कितना सीमेंट लगेगा और कितनी ब्रिक्स लगेगी, फटाफट चार्ज निकालेंगे। तो 2 मिनट में हम निकालेंगे। तो 2 meter cube है तो पहले ब्रिक्स निकालो, 2 × 500 bricks, तो ये आगे 1000 bricks लगेगी, ठीक है। और आपको ड्राई वॉल्यूम पता होता था, 1 meter cube के लिए कितना होता था, 0.3, तो 2 के लिए कितना होगा, 0.3 × 2, ठीक है। तो ये आ गया 0.6, ठीक है, 0.6 हो गया। ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाय रेशियो, रेशियो मान लो 6 दे दी तो डिवाइड बाय 7 कर लो, तो 0.6 / 7 तो ये आ गया 0.085 meter cube। इसको बैग में कन्वर्ट कर दो, गुना 30 से कर दो, तो ये आ गया 2.5 bag। तो देखिए इतना आसान तरीका है दोस्तों, आपने सिर्फ ड्राई वॉल्यूम याद रखना है। और ड्राई वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि कैसे निकालना है, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम का मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया, आरसीसी का भी, पीसीसी का भी और ब्रिक मैसनरी का भी। और अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्लास्टिंग, ठीक है, प्लास्टिंग को हम अच्छे से समझेंगे। होप सो आपको ये वीडियो इसमें समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता दें दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। एस्टीमेट की क्लासें दोस्तों मैं आपको बढ़िया से करवा दूंगा, जितना भी एस्टीमेट का सिलेबस है वो मैं सारा करवा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दें, और उस दिन मैं ऑनलाइन आऊँगा, लाइव बात करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और शेयर जरूर कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए फिर आज के लिए, थैंक यू फॉर